हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक दीक्षित आपका अपने यूट्यूब चैनल हरी एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो जो हमारी 17वीं 18वीं जो क्लासें आ चुकी हैं उनमें जो झीलें ब्रांड एम्बेसडर और आंकड़े वगैरह मैंने करवा दिए हैं। जो आज की क्लास है वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है करंट के लिहाज से भी। जो 19वीं क्लास होगी हमारी, 19वीं क्लास है वो भाई किससे संबंधित है, तो 2015 यानी बीजेपी सरकार में जो शहर गांव या फिर भाई डिस्ट्रिक्टों के नाम बदले गए हैं उनके नए नाम क्या कर दिए हैं, कुछ वजह से राज्य सरकार में ये नाम चेंज किए गए हैं। तो हुड्डा जो हुड्डा सरकार में इनके कुछ नाम थे या फिर हरियाणा बनने के टाइम के बाद अब तक कुछ नाम थे, तो बीजेपी सरकार में कुछ गांवों के नाम चेंज कर दिए गए हैं। तो वो गाँव कौन कौन से हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों 15-16 गाँव शहर मिला के हैं, तो उनके बारे में एक या दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे पेपर में। तो भाई क्या क्या नाम है और कौन कौन से नए नाम हो गए हैं और कौन कौन से जिले में पड़ते हैं, ये तीन बातें हमें याद रखनी है कि पुराना नाम तो आज का नाम क्या हो गया और किस जिले के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाई दो जिले हैं। तो दो जिले कौन कौन से हैं भाई, दो जिले हैं उनमें से एक तो है भाई गुरुग्राम और दूसरा है भाई मेवात। तो सबसे पहले हम गुरुग्राम के बारे में पढ़ते हैं भाई। गुरुग्राम अब देखो एक बार, ये नया नाम है, नया नाम। अब आप कंफ्यूज मत होना क्योंकि गुरुग्राम पहले गुड़गावा के नाम से जानते थे लेकिन उससे पहले भी ये गुरुग्राम था क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य की भूमि मानी गई है। इनके गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी उर्फ ललिता के नाम पर ये नाम पड़ा हुआ है गुरुग्राम, और नया नाम अब गुरुग्राम है। पुराना गुड़गावा था और इससे पहले भी गुरुग्राम था। तो पहले आप पुराने नाम इधर लिख लो, तो भाई पुराने नाम और फिर भाई यहां पर नए नाम या बदले गए नाम, एक की बात है दोस्तों। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं भाई गुड़गावा। तो भाई गुड़गावा पुराना नाम क्या था भाई गुड़गावा, नया नाम क्या हो गया है गुरुग्राम, नया नाम क्या हो गया दोस्तों गुरुग्राम। और भाई उसके बाद जो दूसरा जिला है वो है भाई मेवात। मेवात के बारे में एक बार देखना कि भाई मेवात ऐसा जिला है जिसे इसका पुराना नाम, इससे भी मेवात से भी पुराना नाम पूछता है, तो भाई इसका पुराना नाम इससे भी पहले का है सत्यमेवपुरम भाई, ये इसका पुराना नाम है। और आपसे पूछा जाए कि भाई गुड़गावा, तो गुड़गावा का इससे भी पुराना नाम क्या है भाई गुरुग्राम। पहले गुरुग्राम था फिर गुड़गावा हुआ फिर गुरुग्राम हो गया। तो सत्यमेवपुरम था पहले फिर मेवात हो गया, मतलब INLD सरकार में यानी 2004 में इसका नाम मेवात था, अब ये बीजेपी कांग्रेस सरकार ने इसका नाम भाई मेवात रख दिया 5 में, और भाई 12 अप्रैल 2016 को इसका नाम भाई नू कर दिया है। तो भाई कब कर दिया, इन दोनों की डेट अगर आपसे पूछा जाए कब भाई, 12 अप्रैल 2016 को ये नाम चेंज कर दिए गए। तो आपसे पूछा जाए कि भाई गुड़गावा का प्राचीन भी गुरुग्राम और नया भी गुरुग्राम। उसके बाद आता है मेवात, तो मेवात का पुराना नाम सत्यमेवपुरम 2004 में, और कांग्रेस ने 2005 में इसका नाम मेवात रख दिया और बीजेपी ने इसका 2016 में नू कर दिया। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कब नाम बदले गए और इससे पहले के कौन कौन से हैं। उसके बाद आते हैं भाई शहरों में इंपॉर्टेंट कि भाई कौन कौन से शहरों के नाम बदले गए हैं। तो शहरों में हम पढ़ते हैं भाई, शहरों में सबसे पहले भाई बल्लभगढ़ जो इंपॉर्टेंट है, बल्लभगढ़ के बारे में हमें पता होना चाहिए कि भाई बल्लभगढ़ कहाँ पड़ता है। देखो शहरों और गांवों में ये जरूर पता होना चाहिए कि किस जिले का है, ठीक है ना। तो बल्लभगढ़ का जो नाम पुराना था तो अब क्या हो गया भाई बलरामगढ़, क्या नाम हो गया भाई बलरामगढ़ हो गया है। और बल्लभगढ़ आपको सभी को पता है कहाँ पड़ता है, या फिर अब बलरामगढ़ कहाँ पड़ता है, तो भाई फरीदाबाद। कहाँ पड़ता है भाई बलरामगढ़ या बल्लभगढ़, तो भाई फरीदाबाद में। अब एक क्वेश्चन आता है कि भाई 1857 की क्रांति से नेतृत्व किसने किया, 1857 की क्रांति से नेतृत्व भाई आप सभी जानते हैं, क्वेश्चन कई बार आसान सा ये आ चुका है कि भाई नहार सिंह ने 1857 की क्रांति से नेतृत्व कहाँ से किया, तो भाई बल्लभगढ़ से। अब ये क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको यहाँ कन्फ्यूज होगा कि वो पूछेगा कि भाई
फरीदाबाद से किसी ने किया तो आपका आंसर नाहर सिंह नहीं होगा, उस टाइम पे आपका आंसर होगा धानु सिंह। तो भाई 1857 की क्रांति में फरीदाबाद से अलग कैंडिडेट ने नेतृत्व किया और भाई बल्लभगढ़ से अलग कैंडिडेट ने, तो बल्लभगढ़ का नया नाम क्या हो गया अभी बलरामगढ़। उसके बाद आता है भाई भोंडसी, भोंडसी, अब भोंडसी पड़ता है गुरुग्राम में। अब यहाँ पर हरियाणा पुलिस का आपको पता है कि आरटीसी सेंटर है, रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर है भोंडसी में। और उसके बाद आता है भाई भोंडसी पड़ता कहाँ, तो गुरुग्राम में भुवनेश्वर नगरी, भुवनेश्वरी नगरी हो गया है, भुवनेश्वरी नगरी हो गया है भाई, भुवनेश्वरी नगरी हो गया है। तो आपसे पूछा जाए कि भाई भुवनेश्वरी नगरी कहाँ पड़ती है, तो भाई गुरुग्राम में पड़ती है और इसका नाम चेंज हो गया है। तो उसके बाद आता है भाई शहरों में, और आपसे पूछा जाए तो नहीं है, फिर गांव आ जाएंगे, गांव, गांव में भाई करीबन 10 के करीब गांवों के नाम चेंज हुए हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से गांवों के नाम चेंज हो गए हैं। तो भाई सबसे पहले हम महेंद्रगढ़ से ही स्टार्टिंग करते हैं। तो महेंद्रगढ़ का एक गांव का नाम था भाई चामधेड़ा, क्या नाम था भाई चामधेड़ा, और चामधेड़ा भाई इसका नया नाम क्या हो गया है भाई देवनगर हो गया है, देवनगर, तो देवनगर हो गया है। अब ये पूछा जाए कि भाई देवनगर कहाँ पड़ता है, तो महेंद्रगढ़ जिले में पड़ता है देवनगर, और इसका नया नाम हो गया है भाई चामदेड़ा का देवनगर। उसके बाद भाई महेंद्रगढ़ के बाद जो आगे डिस्ट्रिक्ट चलते हैं, तो रेवाड़ी में भी एक गांव का नाम चेंज किया गया है, उस गांव का नाम पुराना था भाई लूलाहीर, ठीक है, लूलाहीर, और लूलाहीर का भाई आपको पता ही है कि ज़्यादा अहिरवाल जनसंख्या रेवाड़ी जिले में ही है, और रेवाड़ी महेंद्रगढ़ में ही ज़्यादा अहिरवाल क्षेत्र है, और लूलाहीर जो गांव का नाम था उसका भाई पूरा ही नाम चेंज करके भाई कृष्ण नगर कर दिया गया है। देखो दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि भाई कृष्ण नगर कहाँ पड़ता है रेवाड़ी जिले में, अब यहाँ पे कृष्ण नगर ही करना है आपको, वो पेपर के ऑप्शन में कृष्णा नगर कृष्ण नगर दोनों देगा, तो आपका आंसर कृष्ण नगर ही होना चाहिए, ठीक है ना, तो आपका आंसर क्या होगा भाई कृष्ण नगर। उसके बाद आगे जो गांवों के नाम बदले गए हैं वो देखते हैं एक बार, मैं इनको रफ कर देता हूं भाई। ये जो गांव हैं ये भाई राज्यसभा, ये जो राज्य सरकार के द्वारा विधानसभा में पारित करके बदले जाते हैं, तो पहले ये पारित करने पड़ेंगे या फिर राज्यसभा, ये जो विधानसभा, राज्यसभा सॉरी विधानसभा में पारित करने पड़ेंगे, विधानसभा की मंजूरी होने के बाद इन गांवों के नाम बदले जाएंगे, ठीक है ना, तो ये राज्यपाल और मुख्यमंत्री की सहमति इस पे बहुत ही जरूरी है। तो आगे हम पढ़ते हैं भाई, जो ये किन्नर है जो हिसार का गांव है, और चमारखेड़ा, ये दोनों ही गाँव हिसार के हैं, किन्नर भाई, किन्नर और भाई चमारखेड़ा, चमारखेड़ा तो हो गया है सुंदरखेड़ा, और किन्नर हो गया है भाई गैबी नगर, ठीक है, किन्नर का नया नाम हो गया है भाई गैबी नगर, और चमारखेड़ा हो गया है भाई सुंदरखेड़ा, ठीक है ना, दोनों ही कहाँ पड़ते हैं भाई, किस जिले के गांव हैं, तो दोनों ही हिसार जिले के गांव हैं। और आपसे पूछा जाए कि नए नाम क्या हो गए इनके, तो किन्नर गैबीनगर और चमारखेड़ा सुंदरखेड़ा, दोनों इशार के हैं। उसके बाद आता भाई एक फतेहाबाद का भी गांव का नाम है, वो भी चेंज हो गया है, इशार से अलग हुआ था फतेहाबाद, तो उसका पूछा जाए कि भाई क्या नाम है, तो गंदा गांव था, गांव का नाम ही गंदा है भाई, गंदा गांव, गंदा गांव का नाम क्या हो गया भाई अजीत नगर हो गया है, क्या नाम हो गया भाई अजीत नगर हो गया है। और भाई किस जिले का गांव है, तो फतेहाबाद का, किस जिले का नाम है भाई अजीत नगर, नया नाम किसका हो गया गंदा गांव। या आपसे पूछा जाए कि भाई अजीत नगर कहाँ पड़ता है, तो भाई फतेहाबाद में पड़ता है। उसके बाद भाई एक इम्पोर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन ये आएगा पेपर में आपसे जरूर, कि भाई मुस्तफाबाद, मुस्तफा, मुस्तफाबाद का, या मुस्तफाबाद या एक जगह यहीं पर है मुग्गा वाली, मुग्गा वाली भी इसी को बोलते हैं, मुस्तफाबाद भी, ठीक है, तो मुस्तफाबाद का नया नाम क्या हो गया भाई सरस्वती नगर, सरस्वती नगर। आपसे पूछा जाए कि भाई हरियाणा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो
तो भाई सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है। हरियाणा की सबसे पवित्र नदी भी भाई सरस्वती नदी। हरियाणा में आपसे पूछा है महाभारत का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ, सरस्वती नदी। आपसे पूछा जाए कि भाई अर्जुन को गीता के ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई, तो सरस्वती नदी के किनारे। ब्रह्म सरोवर किस नदी के संगम पे है, तो सरस्वती नदी के किनारे। कुरुक्षेत्रा में कौन सी नदी गुजरती थी, सरस्वती। तो भाई सरस्वती नदी का संगम आपसे पूछा जाए ना, तो एक ये यमुनानगर का गाँव है, यमुनानगर में पड़ता है ये मुस्तफाबाद, और आदि बद्री नामक जगह है कोई, मुस्तफाबाद में एक जगह का नाम है भाई आदि बद्री, आदि बद्री। और आदि बद्री जगह नामक जो है वहाँ से सरस्वती नदी के बहने के प्रमाण मिले हैं, तो इसीलिए जो गांव का नाम है वो मुस्तफाबाद है, और यहाँ सरस्वती नदी के पुराने टाइम के बहने के प्रमाण मिलने के कारण इसका नया नाम भी भाई क्या कर दिया है, तो सरस्वती नगर कर दिया है। उसके बाद आता है भाई टोडी खेड़ी, टोडी खेड़ी एक गांव है, टोडी खेड़ी जींद का एक गांव है जिसका नाम हाल ही में बदला गया है भाई, उसका नाम हो गया है सरना खेड़ी, सरना खेड़ी, सरना खेड़ी नाम हो गया है। और टोडी खेड़ी पड़ता है भाई जींद में, और जींद का एक गांव और है जो बहुत ही फेमस है, जो पांडवों की पिंडदान की भूमि मानी जाती है। हम पढ़ते आए कि पांडु पिंडारा पर्यटक स्थल है, गांव का नाम नहीं था, तो वो गांव का नाम था भाई पिंडारी में, ठीक है। तो पिंडारी जो गांव है वो जींद में पड़ता है, उस पिंडारी गांव का नाम अब हो गया भाई पांडु पिंडारा। देखो भाई यहां पर थोड़ा कंफ्यूज होने की बात है कि भाई पांडु पिंडारा कहाँ पड़ता है भाई, जींद में, लेकिन कन्फ्यूज कहाँ कैसे होंगे, तो आपसे पूछेगा कि भाई पांडवों ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए कहाँ पर पिंडदान किया, तो क्वेश्चन ठीक है पांडु पिंडारा। आपसे पूछे कि भाई पांडवों की रमणल सथली क्या थी, रमण सथली, तो पांडवों की जो रमण सथली थी ना वो नारनौल थी, चम्बन ऋषि की भूमि या डोसी की पहाड़ी, डोसी की पहाड़ी है ना वो रमणल सथली थी भाई पांडवों की, ठीक है। और पिंडदान की भूमि पांडु पिंडारा थी, और रमणन सथली ये थी। और भाई अर्जुन ने अपनी प्यास कहाँ पर बुझाई थी, तो भाई तो आपसे पूछा जाए तो अर्जुन ने अपनी प्यास कहाँ पर बुझाई थी, तो भाई चंद्रकूप पे, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि भाई पांडु पिंडारा कहाँ पड़ता है, जींद में, और पिंडारी नया नाम हो गया, ये पिंडारी हटकेश्वर पिंडारी दोनों ही जींद में पड़ते हैं, हटकेश्वर में, हाटगांव का जो हाटगांव है, हटकेश्वर हाटगांव में पड़ता है, तो वो भी आपको याद रखना कि हटकेश्वर भी पवित्र स्थल भी जींद में है। तो उसके बाद देखो मैं एक बार रफ कर देता हूँ, और आगे जो गांव रह गए वो भी इम्पोर्टेंट है, दो तीन गांव और हैं जो हरियाणा में जिनके नाम बदले गए हैं। एक ये अम्बाड़ा का एक गांव है पंजाखेड़ा, पंजाखेड़ा अम्बाड़ा का एक गाँव है, और उसका भी नाम चेंज हो गया है, उसका नाम में ज़्यादा अंतर नहीं है, जो पंजाखेड़ा, अम्बाड़ा में एक तीज का पंजाखेड़ा मेला लगता है, आपको याद मेलों में याद रखना पड़ेगा कि भाई तीज का पंजाखेड़ा मेला कहाँ लगता है, तो भाई पंजाखेड़ा गांव में लगता है, इसका नाम हो गया भाई पंजाखेड़ा साहिब, पंजाखेड़ा साहिब, बस ये साहिब ही नाम पीछे जोड़ा गया है, और भाई पंजाखेड़ा सेम है, और पढ़ने मतलब किस डिस्ट्रिक्ट का पूछा जाए तो भाई अम्बाड़ा का, किसका है तो भाई अम्बाड़ा का एक गांव है संघार सरस्टा, संघार सरस्टा गांव है एक, संघार सरस्टा, संघार सरस्टा नामक गांव है एक सिरसा का, उसका भाई क्या नया नाम कर दिया है, आपसे पूछा जाए कि भाई संघार सरस्टा कहाँ पड़ता है, तो भाई आपको बताना है कि भाई सिरसा में पड़ता है, और संघार सरस्टा का नाम कर दिया भाई बाबा बुमन सहा, क्या नाम कर दिया भाई बाबा बुमन सहा, और कहाँ पड़ता है भाई सिरसा में पड़ता है संघार सरस्टा, ठीक है ना। तो टोडी खेड़ी पिंडारी और ये संघार सरस्टा ये इम्पोर्टेंट हैं। एक भाई इम्पोर्टेंट है छोटू रामनगर, छोटू रामनगर हो गया है, पहले उसका नाम था गढ़ी सापला, रोहतक आपको पता ही है कि भाई जो हाल ही में छोटू राम की जो मूर्ति का अनावरण हमारे 9 तारीख को, जो 9 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गढ़ी सापला में भी आए थे, आपको पता ही है कि उनको मूर्ति का अनावरण करके गए हैं, तो गढ़ी सापला
ये छोटू राम नगर नया नाम हो गया है, छोटू राम का गांव है ये, और इसीलिए इसका नाम भाई क्या कर दिया गया है, इस गांव का नाम तो छोटू राम नगर कर दिया गया है, और ये पड़ता है भाई रोहतक में, ठीक है, सांपला रोहतक, तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद आता है भाई घड़ी सांपला के बाद आमीन, ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये महाभारत के टाइम पीरियड का गांव है। आपसे पूछा जाए कि भाई महाभारत के 13वें दिन अभिमन्यु की मृत्यु कहां पर हुई, तो भाई आमीन में ही हुई थी, और इसीलिए इसका नाम भाई क्या कर दिया गया है, अभिमन्यु नगर कर दिया गया है, अभिमन्यु नगर कर दिया गया है। तो भाई आमीन का नया नाम अभिमन्यु नगर, और किससे रिलेटिव है भाई, अभिमन्यु से ही है, अभिमन्यु जो महाभारत के 13वें दिन मारा गया था चक्रव्यूह में, ठीक है दोस्तों। तो ये भाई कहां पड़ता है अभिमन्यु नगर, आपको पूछा जाए तो भाई कुरुक्षेत्र में पड़ता है। एक और गांव है सोनीपत का खिजराबाद, जिसका नाम भाई प्रताप नगर हो गया है, खिजराबाद, ये खिजराबाद का भाई प्रताप नगर, प्रताप नगर हो गया है। तो ये भाई जो मैंने करवाए हैं ये हरियाणा के नए जो नाम हो गए हैं, जो बीजेपी सरकार ने अपने योजना में इन गांवों के नाम चेंज किए हैं, तो ये जो गांव है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनका एक टॉपिक या एक क्वेश्चन उठा के दे देते हैं पेपर में कि भाई नया नाम क्या होगा। जैसे ये इम्पोर्टेंट है घड़ी सांपला, आपसे पूछा जाएगा कि भाई घड़ी सांपला का नया नाम क्या कर दिया है, तो आपको बताना है छोटू राम नगर, या फिर आपसे सीधा ही पूछे कि भाई छोटू राम नगर किसका नया नाम हो गया है, तो भाई घड़ी सांपला का, या फिर आपसे पूछेगा कि छोटू राम नगर पड़ता कहाँ पर है, तो रोहतक में। और एक छोटू राम का जन्म 1881 में से लेके 1945 तक का इनका टाइम पीरियड रहा है, और इनका भी एक क्वेश्चन हरियाणा जीके में इम्पोर्टेंट बनता है, चाहे वो किसी भी एग्जाम में या किसी भी कोर्ट में आए, लेकिन छोटू राम नगर जो छोटू राम जो हमारे हरियाणा की एक महान हस्ती हैं, उनका बारे में एक क्वेश्चन हरियाणा जीके पक्का पूछता है। तो आपको छोटू राम नगर जो है उसका भी एक क्वेश्चन जरूर याद रखना है कि किसका नया नाम हो गया भाई छोटू राम का। जैसे ये आमीन है, आमीन कुरुक्षेत्र का महत्वपूर्ण गाँव है, और ये आज भी अभिमन्यु के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि महाभारत में 13वें दिन यहीं पर अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी, और यहीं पर अभिमन्यु का किला भी बना हुआ है इसी गांव में। उसके बाद खिजराबाद, प्रताप नगर, ऐसे दोस्तों मैंने जैसे रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, जिन गांवों के नाम चेंज किए गए हैं मैंने उनके नाम करवा दिए हैं, तो ये आपको डेट आपसे नहीं पूछी जाएगी पेपर में कि भाई कब चेंज हुए, तो बीजेपी टाइम में ये चेंज हुए हैं। तो जिले और गाँव और शहर तो जितने मैंने थे वो मैंने इस वीडियो में करवा दिए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप इन वीडियो को पढ़ें, जो हम मेरी 19 क्लासें अब तक आ चुकी हैं, तो लगभग 50% मैंने सिलेबस कवर करवा दिया है, और जो हमारी और वीडियो हैं करंट की हमारे सर हैं वो छोड़ रहे हैं, और टॉपिक वाइज मैं यहाँ करवा रहा हूँ, तो मैंने लगभग 20 के करीब टॉपिक करवा देंगे। उसके बाद आपका 50% से ज़्यादा का सिलेबस हमने कर दिया, और जो डी ग्रुप की डेट फिक्स हो गई है 10, 11 और 17, 18, उससे पहले मैं हरियाणा जी के आपको कंप्लीट करवा दूंगा विद करंट, ठीक है ना। तो टॉपिक करंट और करोस मैं आपके पेपर से पहले बिल्कुल करवा देंगे, तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, शेयर करें, और हरी एजुकेशन के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।